नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी और आज हम सब सुनेंगे श्रवण कुमार की कहानी। बच्चों, क्या आप जानते हैं श्रवण कुमार कौन था? आप में से कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, ये कहानी भगवान राम के जन्म से भी पहले की है। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। आपकी ही तरह वह भी अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसके माता पिता दोनों ही नेत्रहीन यानी अंधे थे, इसलिए श्रवण कुमार को उनका बहुत ध्यान रखना होता था। वह दिन रात उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता था। माता पिता की सेवा करना ही श्रवण कुमार का जीवन व्रत बन गया था, यानी माता पिता की सेवा ही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। एक दिन माता पिता ने श्रवण कुमार को कहा, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं कितने दिन और जीवित रहेंगे। हमें एक बार भारत के तीर्थों के दर्शन करवा दो, हमारी तीर्थों के दर्शन करने की बहुत इच्छा है। श्रवण कुमार गरीब था, माता पिता की इच्छा पूरा करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाए। बहुत सोचने पर उसने एक उपाय ढूंढा। उसने एक कावड़ बनाई, कावड़ यानी कि एक तराजू जैसी चीज। एक डंडे के दो छोरों पर बड़ी बड़ी दो टोकरियां बांधकर पलड़े बनाए, जिसमें एक पलड़े में माता को बिठाया, दूसरे पलड़े में पिताजी को, और खाने पीने का कुछ सामान लेकर, कावड़ लेकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन की बात है, शाम का समय था और माता पिता को प्यास लगी। उनके पास जो घड़ा था उसमें भी पानी समाप्त हो चुका था। अब उनके पास कुछ पानी नहीं था, अतः श्रवण कुमार ने कावड़ को नीचे रखा, माता पिता को एक पेड़ के नीचे बिठाकर घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ा। अंधेरा हो गया था। अब श्रवण कुमार ने जैसे ही नदी में घड़ा डुबोया, डुब 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 की आवाज आई, बुलबुले निकले। दुर्भाग्यवश उस समय जंगल में शिकार के लिए अयोध्या के राजा दशरथ, हाँ राजा दशरथ राम जी के पिता, आए हुए थे। उन्हें लगा कि शाम के समय कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पी रहा है, तो उन्होंने शिकार के लिए शब्द भेदी बाण चला दिया। शब्द भेदी बाण जानते हैं आप? ऐसा बाण जिसको आवाज की तरफ चलाया जाए तो जहां से आवाज आ रही होती है वो उस जगह जाके लग जाता है। अब आवाज कहां से आ रही थी? क्या वहां पे कोई जानवर पानी पी रहा था? नहीं पी रहा था। वहां क्या हो रहा था? श्रवण कुमार बैठ के नदी पर घड़ा भर रहा था, तो वो बाण किसके लगा? सीधे श्रवण कुमार के सीने में जाके लगा, और जैसे ही बाण लगा जोर से श्रवण कुमार चिल्लाया दर्द से। इंसान की चीख सुनकर राजा दशरथ चौंक पड़े। वे शीघ्र वहां पहुंचे, देखा तो खून से लथपथ श्रवण कुमार दर्द में करहा रहा था। उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्होंने तो सोचा था कि कोई हिरन या कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है, यहाँ उन्होंने गलती से किसे बाण से आहत कर दिया? श्रवण कुमार को, जिसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने तुरंत उसके शरीर से तीर निकाला और वो बड़े दुखी हुए। परंतु मृत्यु से संघर्ष करते हुए श्रवण कुमार को एक ही चिंता थी कि उसके माता पिता प्यासे हैं। अंतिम क्षण में भी राजा से उसने केवल इतना ही कहा, पास में ही मेरे माता पिता पेड़ के नीचे बैठे हैं, कृपया आप उनकी प्यास बुझाएं, इस घड़े में पानी भरकर कृपया उन्हें पिला दें। राजा दशरथ के आंखों से आंसू निकल आए। वे बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति धन्य है, तुम सदैव अमर रहोगे। राजा के मुख से ये शब्द निकले, परंतु इन शब्दों को सुनने से पहले ही श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग चुके थे। दुखी मन से राजा ने जल का पात्र भरा और श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें पानी पीने को कहा। उन्होंने राजा से पूछा, तुम कौन हो और श्रवण कहाँ है? राजा दशरथ ने उन्हें सारी बात बता दी। राजा दशरथ की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और कहने लगे,
श्रवण हमारी आंखों की ज्योति थी। श्रवण के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है, हम भी जीवित नहीं रह सकते। हम तुम्हें शाप देते हैं, हमारी ही तरह तुम भी अपने पुत्र के शोक में प्राण त्याग दोगे। इतना कहकर पुत्र के वियोग में उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बस ये कहानी तो इतनी ही है, और आगे क्या हुआ आप बच्चों को पता ही होगा। राजा दशरथ ने भी कई वर्षों बाद किस प्रकार अपने पुत्र प्रभु श्री राम के वनवास जाने पर उनके वियोग में प्राण त्याग दिए थे। आज की कहानी बस इतनी ही, मगर इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें श्रवण कुमार की ही तरह सदैव अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई और आशीर्वाद नहीं होता। इसी के साथ मैं फूलकुमारी लेती हूँ आपसे विदा। जय मां भारती।